हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज बस सुबह सुबह सब काम भी निपट गया है और मेरी हॉल वीडियो। हमारे घर पे कौन आया है? टाइगर। टाइगर, और इसका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? टाइगर। टाइगर बोलो। टाइगर। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बोल, कैसे हैं? और सो गाइस, ये है टाइगर जो हमारे सामने वाले घर पे रहता है, और एक्चुअली इसका नाम टाइगर रख दिया है। सो गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और दोपहर में ना मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं काम कर रही थी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, और आज 31 दिसंबर है, तो ये इस साल का आखिरी ब्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ, और ये कल लाइव हो जाएगा। एंड बस मैंने ये मेरा बैग पैक कर लिया है, वैसे एक ही दिन के लिए जा रहे हैं तो बस एक ही बैग। एंड हमें ना घर पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है, तो फिर हम लोग यहीं घर से ही कुछ ना कुछ खा के ही निकलते। एंड सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे बना लेती हूँ, ईजिली फटाफट बन ही जाएगा। और वैसे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ हम खा के ही निकलते हैं, क्योंकि रात को ना हम 11 बजे 10:30 11 बजे पहुँचते हैं। सो देखते हैं कमल कितने बजे आते हैं, और वो आए फिर हम लोग निकल जाएंगे। एंड आज का तो ये लास्ट व्लॉग है, और कल से फिर 2023 का एक नया व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, नया न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और इस साल में हमने कितना मतलब कितना कुछ नया नया अचीव किया है, आई मीन इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नए नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, एंड आप सबका इतना प्यार भी मिल रहा है, इसीलिए इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत कुछ है जो बोल नहीं पाते हैं हम। सो गाइज, ये मैंने आलू बॉईल करके रख दिए, और ये इतने गरम गरम है, और ये मसाला भी रेडी कर दिया है। बस फटाफट से मुझे पराठे के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा गर्म है, मैं हाथ से ऐसे भी नहीं कर सकती हूँ। और आटा भी मैंने लगा दिया है। सो बस अभी बनाते हैं आलू के पराठे। सो मैंने ये मिक्स कर दिया है, और अब मैं बनाऊंगी पराठे। ये हमारे आलू पराठे बनके रेडी हैं, और ये इतने बनाए हैं मैंने, और हम खाते हैं अभी, और फिर खाना खा के फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि लेट हो गए हैं और रात को भी फिर हम लेट हो जाते हैं, ठीक है ना? यस। कमल भी घर पे आ गए हैं। कमल 31st है ना, कमल खुश खुश हो गए हैं। सो गाइस, हम निकल गए हैं घर से, और आज का माहौल ना एकदम बढ़िया है, मतलब एकदम इतनी लाइटिंग लग रही है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, और आज की रात ना मतलब सब जगह लाइटिंग ही होगी, और अहमदाबाद में तो खास करके होती ही है। और देखते हैं, हम सिटी से होकर ही जाएंगे, SG हाईवे से ही जाएंगे ना हम लोग। अगर SG हाईवे से जाएंगे तो वहाँ की लाइटिंग भी आपको दिखाएंगे, और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है आज के दिन तो वहाँ पे, तो बस देखते हैं अभी कितने बजे हम पहुँचते हैं। 8 बज गए निकलते ही। अब यहाँ पे भी इतनी भीड़ भाड़ है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, सिटी के जैसी है ना कमल? हाँ। और आलू पराठे बहुत ही अच्छे बने थे। कमल, आपको कैसे लगे आलू पराठे? बढ़िया। कमल को वैसे भी आलू पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी क्या हुआ, वैसे तो हम नाश्ते में ही खाते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में हमें निकलना भी था। जल्दी जल्दी में हमें निकलना भी था, इसीलिए फिर मैंने अभी बना दिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, फटाफट निकलना है इसीलिए। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी इतनी लाइटिंग है, वैसे ये वाली कलर लाइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कमल को भी पसंद है,
पर्पल कलर की है। सो गाइस, ये मैंने आइसक्रीम ले ली है और ये देखो अंधेरा कितना ज़्यादा है। ये रोड पे हमेशा ऐसे ही सुनसान ही रहता है रात के टाइम पे, मतलब दिन के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। ये सरोडा से आगे निकलते ही आता है ये रोड। यहाँ से होकर हम जाएंगे हमारे घर। एंड ओके, ये रोड पूरा भरा होता है और आज के दिन तो ज्यादा भरा होगा, लेकिन अभी नहीं, 10 बजे के बाद शायद है। और सेलिब्रेशन तो कहाँ पे होता है कमल? सीजी रोड, ज्यादा होता है ना। हाँ, सीजी रोड पर बहुत ज्यादा होते हैं और कांकरिया भी होता है, रिवर फ्रंट। हाँ, सेलिब्रेशन वहाँ पे होता है और हम लोग सेलिब्रेशन में नहीं जाने वाले, हम लोग घर जाएंगे, घर जाके मम्मी पापा सबसे मिलेंगे, वही है हमारा सेलिब्रेशन। सो गाइस, मैं पहुँच गई घर और घर पे ना ताला लगा हुआ है, पहुंच गई हूँ घर। और घर आते मैं अपने सोफे पर आराम से, और ये देखो मेरी कॉपी कर रहा है। मम्मी पापा सब लोग गए हैं मेरे चाचा के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे चाचा के लड़के, मतलब मेरा भाई है, उसकी बर्थडे है, तो सब लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और 12 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी करेंगे। सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, वहाँ पे जाना है। एंड मेरा लॉक था, मैं घर पे आई तब तो लॉक था, घर पे ताला लगा हुआ था। मेरा भाई आके फिर उसने घर खोल दिया और हम लोग आ गए। बस हम थोड़ा सा फ्रेश होते फिर वहाँ पे चलते और वहाँ पे जाके 12 बजे केक कट करेंगे। सो गाइस, केक हमने छुपा दी है और दर्शु ढूंढ रहा है केक कहाँ गई है, केक कहाँ है।